मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 77. पेज नंबर 76 तक हमने छोटे छोटे टॉपिक्स किए थे, फर्स्ट से लेकर सिक्स सेंटेंस तक के. मतलब उसमें आपको एक टॉपिक दिया था, जैसे माय हाउस है, द काऊ है, माय पेंसिल है, उसके ऊपर आपको सेंटेंस लिखना थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पैराग्राफ. यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसका टॉपिक है अ क्रिकेट मैच. ठीक है, यहाँ कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है. इस पैराग्राफ के नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं. पैराग्राफ को आपको ध्यान से रीड करना है, देन उसके बाद आपको आंसर देना है. सो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका अ क्रिकेट मैच. दिस इज़ आर स्कूल प्लेग्राउंड. यह हमारे स्कूल का खेलने का मैदान है. बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच. ठीक है, वह क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं. देयर आर टू टीम्स. क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर टू टीम्स है ना, दो टीमें यहाँ पर खेल रही है. वन टीम इज़ द आर्या टीम. एक जो टीम है वो आर्या की टीम है. राहुल इज़ द कैप्टन ऑफ आर टीम. ठीक है, अब वो क्या बोल रही कि जो राहुल है वो हमारी टीम का कैप्टन है. ही इज़ बैटिंग नाउ. राहुल क्या कर रहा है, ही दिया है मतलब राहुल की बात हो रही है. ठीक है, वह बैटिंग कर रहा है. द अदर टीम इज़ द नेहरू टीम. दूसरी टीम क्या है, उसका नेम है नेहरू टीम. दे आर फील्डिंग. वे क्या कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं. राहुल हैज़ हिट द बॉल. राहुल क्या करता है, बॉल को मारता है. मोहित इज़ रनिंग आफ्टर इट. और जो मोहित है वह उसके पीछे भागता है. ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब इसमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसके आंसर हमको अपनी नोटबुक में लिखना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ओपन योर नोटबुक. ओके, अपनी नोटबुक को ओपन करेंगे. राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर. चैप्टर नंबर आपका 12 है. नेम है उसका कंपोजिशन. ठीक है, तो नेम डालना है आपको चैप्टर का, चैप्टर नंबर डालना है. देन उसके बाद आप टॉपिक डालेंगे अ क्रिकेट मैच. देन क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लिखेंगे, व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग. अब हमको ये क्वेश्चन के आंसर इस पैराग्राफ से ही फाइंड करना है. ठीक है, लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. तो ये आपका क्या हो गया, आंसर फर्स्ट. ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ से नोट करेंगे, आंसर आप यहाँ से लिखेंगे. बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं. सेकेंड क्या है, वॉट इज़ राहुल. राहुल क्या है, तो हमने क्या पढ़ा, राहुल इज़ द कैप्टन ऑफ आर टीम. तो ये आपका हो गया आंसर 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक. राहुल इज़ द कैप्टन ऑफ आर टीम. राहुल हमारी टीम का कप्तान है. नंबर 3 पर क्वेश्चन है, वॉट इज़ ही डूइंग. ठीक है, वह क्या कर रहा है, ही मतलब राहुल की ही बात हो रही है. हम आंसर में भी क्या लिखेंगे, ही इज़ बैटिंग नाउ. ठीक है, ये आपका हो गया आंसर 3, ही इज़ बैटिंग नाउ. नंबर 4 लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज़ मोहित डूइंग. मोहित क्या कर रहा है, ठीक है, रोहित, राहुल ने बॉल मारी थी तो मोहित उसके पीछे भाग रहा है. तो ये आपका हो गया आंसर 4. इस तरह से हमको आंसर इसमें से फाइंड करने. इज़ द आर्या टीम फील्डिंग. ठीक है, फर्स्ट वाली टीम क्या थी, आर्या थी, राहुल उसका कैप्टन था और राहुल बैटिंग कर रहा था. अब इन्होंने पूछा कि क्या आर्या की टीम फील्डिंग कर रही थी, तो ये नहीं, क्योंकि दूसरी टीम कौन है, नेहरू टीम है और वो टीम फील्डिंग कर रही. तो आप सिर्फ नंबर 5 का क्या आंसर लिखेंगे, नो. ठीक है, ओके, तो ये 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हो गए, आंसर मैंने यहाँ पर आपको टिक करवा दिए हैं. 5th का आंसर नो है, सिर्फ आपको आंसर लिखकर नो लिखना है. तो इतना वर्क आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इस पैराग्राफ की आप रीडिंग करेंगे और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी खुद से करेंगे. पहले आप वीडियो को ध्यान से सुनना, उसके बाद रीडिंग करना और फिर उसका ट्रांसलेशन करना. ओके, और फिर अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.